देश में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 15,413 नए केस, मरीजों की कुल संख्या 4,10,461 हुई। देश भर में एक दिन में कोरोना से 306 की मौत, अब तक 13,254 लोगों की गई जान। देश में अब तक 2,27,756 मरीज रिकवर, एक्टिव केस 1,69,451। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 3,630 नए केस, मरीजों की संख्या 56,746 हुई। दिल्ली में एक दिन में 77 की मौत, कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 2,112 हुई। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग में आई तेजी, 24 घंटे में 17,533 टेस्ट, 20% से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। प्लाज्मा थेरेपी के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत में सुधार, मैक्स अस्पताल के आईसीयू में है भर्ती। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे दिल्ली के अशोक नगर टेस्टिंग सेंटर, एंटी जोन रैपिड टेस्टिंग का जायजा लिया। दवा कंपनी सिप्ला और हिट्रो को मिली एंटीवायरल दवा, रेमडेसिविर बनाने और बेचने की मंजूरी, कोरोना के गंभीर मरीजों को दी जाएगी दवा। महाराष्ट्र में एक दिन में 160 मौत, सिर्फ मुंबई में 136 लोगों ने तोड़ा दम, राज्य में अब तक 5,984 जाने गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,874 पॉजिटिव केस, मरीजों का आंकड़ा 1,28,000 के पार। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,197 नए केस और 136 की मौत, मरीजों का आंकड़ा 65,265। मुंबई के धारावी से एक राहत की खबर, एक दिन में सबसे कम 7 नए केस, एक महीने से संक्रमण में आई कमी। कोरोना से पिछले 48 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 140 जवान संक्रमित, जबकि एक पुलिसकर्मी की मौत। महाराष्ट्र पुलिस के अब तक 3,960 जवान कोरोना से संक्रमित, 46 जवानों की मौत। पुणे में कोरोना मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल, 823 नए पॉजिटिव केस मिले, संक्रमितों का आंकड़ा 15,004 पहुंचा। पुणे में 24 घंटे में कोरोना से 24 की मौत, जानलेवा वायरस से अब तक 584 लोग गंवा चुके हैं जान। बीएमसी ने बायकुला में 1,000 बेड वाला कोरोना हॉस्पिटल तैयार किया, जून के अंत में शुरू होगा इलाज। गुजरात में एक दिन में कोरोना से 539 लोग संक्रमित, सिर्फ अहमदाबाद में 306 नए केस। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की मौत, अब तक 1,639 की मौत। 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज वाला देश का 9वां राज्य बना हरियाणा, एक दिन में 480 नए केस। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 541 लोग कोरोना से संक्रमित, 23 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 17,135। लखनऊ में कोरोना एक और पॉजिटिव मरीज की मौत, पहले से डायबिटीज से पीड़ित था शख्स, मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत। गाजियाबाद में कोरोना विस्फोट, एक दिन में मिले सबसे ज्यादा 56 नए केस, नोएडा में 41 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। गाजियाबाद के पोस्टमार्टम हाउस में 8 डिप फ्रीजर के काम नहीं करने पर कार्रवाई, हिमाचल प्रदेश की 4 कंपनियों के खिलाफ FIR। उत्तराखंड में कोरोना के 23 नए केस, अब तक 2,301 लोग संक्रमित। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 156 नए मरीज, अब तक मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार पहुंचा। राजस्थान में एक दिन में 154 पॉजिटिव केस, मरीजों का आंकड़ा 14,691। राजस्थान में कोरोना से 4 और लोगों की मौत, पूरे राज्य में अब तक 341 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,533 हुई, वायरस की चपेट में आकर 52 लोगों की मौत। झारखंड में अब तक 1,965 कोरोना पॉजिटिव, कोरोना ने ली 11 लोगों की जान। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 11 लोगों की मौत, 441 लोग संक्रमित, कुल आंकड़ा 13,531 हुआ। ओडिशा में एक दिन में 304 नए पॉजिटिव केस, राज्य में अब तक 5,160 लोग कोरोना से संक्रमित। असम में कोरोना के 133 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 5,388। असम में अब तक 9 लोगों की जा चुकी है जान, राज्य में 3,202 कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक। पंजाब में और 120 लोग कोरोना से संक्रमित, राज्य में 3,900 से ज्यादा मरीज, अब तक 98 लोगों की मौत। चंडीगढ़ में कोरोना से 23 नए केस पॉजिटिव हुए, संख्या हुई 404, अब तक 6 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना बना रहा है रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा 2,396 केस। तेलंगाना में कोरोना के 546 नए मामले, अब तक 7,072 लोग कोरोना से संक्रमित। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 477 कोरोना के केस, राज्य में 8,929 पॉजिटिव केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 5 और मरीजों की मौत, राज्य में अब तक महामारी ने ली 106 लोगों की जान। आंध्र प्रदेश सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की, 6 लाख से ज्यादा बच्चों को किया जाएगा प्रमोट। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 416 नए पॉजिटिव केस, 9 संक्रमितों की मौत, एक्टिव केस की संख्या 3,000 के पार। केरल में कोरोना ग्राफ 3,000 के पार, 127 नए पॉजिटिव केस, राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,450 हुई। केरल सरकार का ऐलान, विदेश से लौटने वालों के लिए प्री फ्लाइट कोरोना टेस्ट जरूरी। गोवा में कोरोना के 29 नए केस, कोरोना के कुल मामले 754 हुए, 625 एक्टिव केस, 129 लोग ठीक हुए। मिजोरम में कोरोना के 10 नए केस, राज्य में अब तक 140 संक्रमित, 9 रिकवर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से अब तक 658 लोग संक्रमित, 233 एक्टिव केस, 406 मरीज ठीक हुए, अब तक 6 की मौत। कोरोना के मरीजों का रिकवरी रेट बढ़ा, सरकार ने जारी किया आंकड़ा, 55% से ज्यादा लोग हो रहे हैं ठीक। देशभर में बड़ी कोरोना की टेस्टिंग, 24 घंटे में 1,90,730 टेस्टिंग, अब तक 68,07,226 सैंपल्स की जांच। कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले पीएम मोदी, कहा योग से कोरोना को हराने में मिलेगी मदद, इम्यूनिटी मजबूत हो तो हारेगा कोरोना।
पीएम ने अपने संदेश में कहा, कोरोना श्वसन तंत्र पर करता है हमला, प्राणायाम से श्वसन तंत्र को मजबूत करने में मिलती है मदद। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट में योग के प्रति उत्साह बढ़ा, एक साल योगा एट होम, योगा विद फैमिली है इस बार थीम। पीएम मोदी ने बताया योग का महत्व, कहा जो सबको जोड़े और दूरियों को खत्म करे वही योग। पीएम मोदी ने कहा, बढ़ता है आत्मबल और मनोबल, मिलती है मानसिक शांति। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, योग को जीवन में अपनाने की दी सलाह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सलाह, कहा संघर्ष कोरोना से लड़ने में योगाभ्यास मददगार साबित होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में अपने परिवार के साथ किया योग, कोरोना संक्रमण की वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने घर में ही किया योगाभ्यास। दिल्ली में जारी रहेगा होम क्वारंटीन, एलजी ने 5 दिन के सरकारी क्वारंटीन के फैसले को वापस लिया, दिल्ली सरकार ने जताया था एतराज। दिल्ली के एलजी ने ट्वीट कर कहा, जिनके पास होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं उनको सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच एक दिन में हुई दो बार बैठक, केजरीवाल ने पूछा सवाल, क्वारंटीन सेंटर के लिए कहां से लाएंगे मेडिकल स्टाफ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने फैसले पर उठाए सवाल, पूछा दिल्ली के लिए अलग दिशा निर्देश क्यों, आईसीएमआर की गाइडलाइंस का उल्लंघन करार दिया। दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों और मेडिकल इंस्टीट्यूट को जारी किया आदेश, छुट्टी पर गए स्टाफ को जल्द वापस बुलाया जाए। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की होगी क्लिनिकल जांच, होम क्वारंटीन पर फैसला निरीक्षण के बाद ही होगा। कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को मिलेगा ऑप्शन, कोविड सेंटर या पेड आइसोलेशन सेंटर में रहने की दी जाएगी सलाह। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज होगा सस्ता, 60% बेड पर सस्ते दाम में इलाज, बाकी पर अस्पताल अपने हिसाब से रेट तय करेंगे। दिल्ली के निजी अस्पताल आइसोलेशन बेड के लिए 8,000 से 10,000 के बीच रेट लेंगे, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड का रेट 15,000 से 18,000 तय। कोरोना की वजह से इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा, यूपी हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की बैठक में फैसला। अहमदाबाद में 23 जून को नहीं निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 89 लाख के पार, अब तक 89,81,385 लोग वायरस से संक्रमित। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 4,66,848 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर, कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,30,578 पहुंची, अब 121,980 मरीजों की मौत। ब्राजील में मौतों का आंकड़ा 50,000 के पार, संक्रमितों की संख्या 10,67,000 से ज्यादा, अमेरिका के बाद यहां सबसे ज्यादा जान गई है। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 5,76,952 तक पहुंची, अब तक 8,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। ब्रिटेन में 3,03,110 लोग कोरोना पॉजिटिव, कोरोना ने 42,589 लोगों की ली जान। स्पेन में कोरोना का मीटर 2,93,000 के पार पहुंचा, वायरस की चपेट में आकर 28,322 लोगों की गई जान। चीन में कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले, सिर्फ बीजिंग में 22 पॉजिटिव केस। चीन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 83,378 पहुंचा, अब तक 4,634 लोगों की मौत। फ्रांस में भी कोरोना ने ली 29,633 लोगों की जान, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,60,000 के पार। पेरू में 2,51,338 लोग कोरोना पॉजिटिव, अब तक 7,861 लोगों की गई जान। इटली में अब तक कोरोना से 34,610 लोगों की मौत, वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,38,275 पर पहुंची। चिली में कोरोना वायरस की चपेट में आए 2,36,748 लोग, अब तक 4,295 लोगों की मौत। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 8,961 मरीजों की मौत, अब तक 1,91,216 लोग पॉजिटिव। पाकिस्तान कोरोना का कहर, संक्रमितों की संख्या 1,76,617 पहुंची, अब तक 3,501 लोगों की मौत। सऊदी अरब में अब तक 1,54,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, अब तक 1,230 संक्रमितों की मौत। बांग्लादेश में अब तक 1,08,775 पॉजिटिव केस, कोरोना ने 1,425 लोगों की ली जान। ग्वाटेमाला में एक दिन में 641 नए पॉजिटिव केस, 34 संक्रमितों की मौत, अब तक 12,755 लोग संक्रमित। होन्डुरस में पिछले 24 घंटे में 1,048 नए पॉजिटिव केस, 9 संक्रमित मरीजों की मौत, अब तक 12,306 लोग संक्रमित। बोलीविया में एक दिन में कोरोना के 1,036 नए केस, वायरस ने ली 25 लोगों की जान, अब तक 23,512 मरीज। चेन्नई में कंप्लीट लॉकडाउन का आज तीसरा दिन, शनिवार को सड़कों पर दिखा डेजर्ट लुक। चेन्नई में लॉकडाउन के तीसरे दिन सड़क पर सन्नाटा, शहर में पुलिस बल तैनात, आने जाने वालों से पूछताछ। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन बनी सहारा, संकट की घड़ी में जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। केरल में सरकार ने हटाया संडे लॉकडाउन, फिर भी घर से नहीं निकले लोग, मार्केट और सड़कों पर छाया रहा सन्नाटा। भोपाल में वीकेंड पर दुकानें बंद, केवल जरूरी सामान, दूध और दवा की दुकानें खुली, बाजार में पसरा सन्नाटा। कोरोना काल में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत सरकार को दिया 714 करोड़ का कर्ज, देश में हेल्थ सेक्टर में मजबूती के लिए लोन। मालदीव के विलेना एयरपोर्ट में शुरू हुई यात्रियों की चेक इन, ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत INS इरावत से स्वदेश लाए जाएंगे करीब 250 भारतीय। असम में एक रेस्टोरेंट मालिक ने रोबोट को किया रीडिजाइन, कोरोना मरीजों को दवा और खाना बांटने का करेगा काम। होटल ओनर ने कहा, इंसान से इंसान को फैल रहे वायरस का अभी तक नहीं मिला है कोई इलाज, ऐसे में रोबोट मरीजों के लिए होगा कारगर साबित। अमृतसर में पुलिस ने बांटे मास्क, कोरोना से बचने के लिए लोगों को किया जागरूक। और पंजाब में वीकेंड पर दुकानें बंद, केवल जरूरी सामान, दूध और दवा की दुकानें ही खुली।